हेलो दोस्तों, नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सलीम चारणिया। आज जो है दोस्तों, हमारे पास चाइना का बोर्ड आया हुआ है, जो कि एक दुकान वाले के पास से आया हुआ है। बिल्कुल नया वाला बोर्ड है। दुकान वाले ने किसी टेक्नीशियन को सेल किया था, इसके अंदर एरर ज़ीरो शो कर रहा है। तो वहाँ से जो है मेरे पास ये बनने के लिए आया है। तो इसके अंदर दोस्तों मैंने थोड़ा बहुत इसके अंदर प्रॉब्लम्स को देखा है, लेकिन अभी जो है कुछ शोर नहीं है। चलिए मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप नया वाला बोर्ड लेके आते हो दुकान से, और यहाँ पर आते ही कुछ प्रॉब्लम्स निकलता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ जो है ट्रैक वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी देखना पड़ता है। कहीं पर ट्रांजिस्टर गलत तो नहीं लगा दिए हैं ये वाले, ये भी चेक करना पड़ता है। यहाँ पर रजिस्टर है, इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि एक भी बार ऑन ही नहीं हुआ है बोर्ड। इसके अंदर एक बार मान लीजिए कि आप बोर्ड लेके आते हैं मार्केट से, एक बार जो है बोर्ड चल जाता है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इसका रिपेयर करते हैं, लेकिन जो है इसके अंदर कंपनी से ही ये प्रॉब्लम आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसका हम सप्लाई को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने कोइल को कनेक्ट किया है। इसके अंदर कोइल है, ये वाला इंडक्शन जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोइल है। इसके अंदर से मैंने यहाँ पर दो तार निकाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बर्तन में यहाँ पर रख के चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोइल को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर डिस्प्ले को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर थर्मिस्टर की कोई भी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्लास को प्रोटेक्शन करने के लिए रहता है। जहाँ पर ग्लास ज़्यादा टेम्परेचर में आता है तभी ये वाला थर्मिस्टर जो है शॉर्टिंग होता है। शॉर्टिंग होने के बाद यहाँ पर एरर शो करता है, लेकिन यहाँ पर अभी थर्मिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एरर ज़ीरो शो कर रहा है। तो अभी देखिए यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ 2100 वोल्ट पर, यहाँ पर एरर ज़ीरो शो कर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है सप्लाई को हमें चेक करना है। सप्लाई कौन सा चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए 240 वोल्ट एसी सप्लाई चेक करेंगे, यहाँ पर डीसी सप्लाई चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम कोइल के माध्यम से यहाँ पर जो दो रजिस्टर रहते हैं, दोनों रजिस्टर के आगे और पीछे दोनों साइड की सप्लाई को चेक करेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, क्योंकि कई बार नए ट्रांजिस्टर भी खराब रहते हैं। तो ये सब चेक करने के बाद दोस्तों लास्ट में हमें यहाँ पर IGBT को देखना है, क्योंकि IGBT कई बार खराब होता है। तो IGBT खराब ज़्यादातर तो दोस्तों ये IGBT शॉर्टिंग ही रहता है, लेकिन कई केस में दोस्तों ये वाला IGBT खराब रहता है, तब भी यहाँ पर एरर ज़ीरो शो करता है। तो चलिए मैं आपको सभी सप्लाई को चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एरर ज़ीरो शो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम DC 600 वोल्ट की सप्लाई पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे, और यहाँ पर एक प्रोब को ग्राउंड रख के यहाँ पर देख लेंगे। DC सप्लाई आ रहा है, मतलब AC सप्लाई सही ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 340 वोल्ट समथिंग मिल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो भी सही वर्क कर रहा है। यहाँ से 100 वोल्ट बूस्ट रहता है, डिजिटल मीटर में दोस्तों 100 वोल्ट बूस्ट यहाँ पर रहता है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राउंड पे रख के देखिए, यहाँ पर कोइल पे पॉजिटिव सप्लाई रहता है, तो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी होता है कोइल, तो यहाँ पर शो हो रहा है। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए दो रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी सप्लाई बन रहा है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो आगे की सप्लाई दोस्तों कम है, तो यहाँ पर 200 वोल्ट में चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1.2 समथिंग मिल रहा है, यहाँ पर 1.3 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए दो रजिस्टर यहाँ पर भी है, दोनों पे सप्लाई मिल रहा है, और यहाँ से देखिए सीधा ये वाला ट्रैक IC में जाता है। तो ये वाला जो कोइल का सेक्शन है वो भी सही है, ठीक है। अभी इसका पावर ऑफ करेंगे, और इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर रहता है दोस्तों 8050 और 8550, दोनों को, तीनों ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे, देखिए ये वाला 8550 और ये दो 8050 है, और यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर 18 वोल्ट का डायोड रहता है, जीनर डायोड। तो यहाँ पर ये भी चेक करेंगे, और यहाँ पर एक 18 वोल्ट का सप्लाई रहता है, वो भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 18 वोल्ट का सप्लाई ही हम चेक कर लेते हैं। कई बार 18 वोल्ट का सप्लाई नहीं रहता है यहाँ पर, या फिर रजिस्टर में कुछ भी प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए ये वाला ग्राउंड, और यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव 18 वोल्ट का सप्लाई है,
तो देखिए यहाँ पर 18.3 वोल्ट मिल रहे हैं, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर सप्लाई तो सभी सही है। यहाँ पर अभी कंटिन्यूटी पर ही हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला 8550 ट्रांजिस्टर है सबसे पहला, तो ये वाला चेक करेंगे। तो ये भी सही है, ये वाला भी सही है 8050, और ये तीसरा जो है दोस्तों ये भी 8050 ही है, तो ये वाला भी सही है। अभी ये शॉर्टिंग नहीं है, वो भी देखना है। कई बार वो क्या होता है, यहाँ पर शॉर्टिंग होता है, तो इमीटर से कलेक्टर शॉर्टिंग देखना है आपको। शॉर्टिंग तो नहीं है दोस्तों। तो अभी इसके अंदर क्या करेंगे, चलिए अभी इसके अंदर पल्स को दोस्तों हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार माइक्रो कंट्रोलर आईसी से पल्स बनता है, लेकिन जो है यहाँ पर गेट की सप्लाई नहीं बन रही है, तो गेट की सप्लाई अभी हम चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है गेट की सप्लाई शो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन पूरा जो है साइकिल पे नहीं है। जब भी दोस्तों यहाँ पर गेट की सप्लाई रहेगी तभी आईजीबीटी यहाँ पर वर्क में आएगा, और आईजीबीटी जब भी वर्क में आएगा तभी यहाँ पर पूरी साइकिल जो है ऑन होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी ये वाला मीटर दोस्तों मैंने बनाया हुआ है पल्स विथ मॉड्यूलेशन चेक करने का, तो इससे ही दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आईजीबीटी को चेक करता हूँ। आईजीबीटी को मतलब कि यहाँ पर कई बार ऐसे केस होते हैं जहाँ पर आईजीबीटी ओपन हो जाता है, तो जो ये वाला प्रॉब्लम है दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्शन को चेक करेंगे, यहाँ पर पल्स मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर 9 वोल्ट का एक बैटरी लगाया हुआ है। बहुत ही जल्द दोस्तों मैं ये मीटर का वीडियो मेरी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो ये वाला मीटर जो है दोस्तों सिर्फ पल्स को दिखाता है, यहाँ पर शॉर्टिंग करने से कुछ भी नहीं दिखाएगा। इसके अंदर जब भी पल्स मिलेगा दोस्तों तो ये वाला मीटर काम करेगा। तो चलिए इसके अंदर मैं दोस्तों दिखाता हूँ, यहाँ से ऑन कर लेता हूँ इंडक्शन को, और यहाँ पर देखिए ये वाला 18 वोल्ट सप्लाई है, तो यहाँ पर हम 18 वोल्ट सप्लाई पे एक पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, और दूसरे पॉइंट को दोस्तों ये वाला गेट का सप्लाई है, तो यहाँ पर गेट का सप्लाई जो रहता है उसके ऊपर हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला पल्स बन रहा है, ये वाला जो LED है दोस्तों ये वाला स्ट्रॉन्ग पल्स का है, और ये वाला जो है लो पल्स का है। अभी इसके अंदर पल्स आए हैं इसलिए ये वाला ग्रीन LED है, थोड़ी देर बाद ये ऑफ हो जाएगा और उसके बाद ये भी ऑफ हो जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर 18 वोल्ट के पॉजिटिव रखेंगे, और नेगेटिव जो पिन मैंने मीटर बनाया है उसका यहाँ पर गेट की सप्लाई पे लेंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पल्स बन रहा है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पल्स भी गेट की सप्लाई पे आ रहा है। कई बार क्या होता है, यहाँ पर गेट का सप्लाई शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन ऑन नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर सप्लाई ही बन रहा है। गेट का सप्लाई हम चेक करेंगे तो ये मल्टीमीटर से दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड ही प्रॉब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं एक बार मल्टीमीटर से भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम 18 वोल्ट सप्लाई पे 20 वोल्ट सप्लाई पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव प्रॉब को 18 वोल्ट पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 18 वोल्ट है और यहाँ पर ग्राउंड पे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 18 वोल्ट कंटिन्यू शो होगा। यहाँ पर पल्स को आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पल्स जब भी आएगा तभी गेट की सप्लाई बनेगी, और ये 8550 ट्रांजिस्टर रहता है दोस्तों, उसके अंदर से ही जो है हमारा गेट का सप्लाई बनता है, तो उसी के अंदर से दोस्तों ये वाला पल्स आएगा। तो ये मीटर जो है दोस्तों पल्स को ही चेक करेगा, ये वाला सप्लाई को चेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो है मैं यहाँ पर आईजीबीटी को नया लगाऊंगा, उसके बाद दोस्तों देखता हूँ यहाँ पर हमारा एरर जीरो शो हो रहा है या फिर नहीं। और कहीं दोस्तों की कॉमेंट्स आती है, सर आप कौन सा वाला आईजीबीटी यूज़ करते हैं, तो अभी दोस्तों मार्केट में जो है KGF और KGT दोनों कंपनी का आईजीबीटी बेस्ट रहता है, लेकिन इसके अंदर जो क्वालिटी रहती है वो बढ़िया क्वालिटी का आपको यूज़ करना है। यहाँ पर पिन की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, और मैं अभी जो है KGF का 25N135 ये वाला IGBT यहाँ पर यूज़ करता हूँ, बढ़िया बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का रहता है। तो आप भी ये वाला IGBT लगाना, और अभी दोस्तों मैं इसका IGBT चेंज करके फिर आपको वीडियो
दिखाता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि जो हमारा टाइम ज़्यादा ना हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने IGBT को लगा दिया है और यहाँ पर अभी इसको सप्लाई दे के चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2100 वोल्ट पर और यहाँ पर सीरीज का बल्ब ऑन हो रहा है और यहाँ पर एरर वन आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर लो वोल्टेज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन सीरीज में है। तो देखिए डायरेक्ट सप्लाई पे कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारा बर्तन भी रखा हुआ है, देखिए यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा बर्तन सेंस हो रहा है 2100 वोल्ट पे है अभी और यहाँ पर देखिए मीटर पे एम्पियर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 7 एम्पियर पे अभी इंडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 एम्पियर पे इंडक्शन चल रहा है, यहाँ पर हीटिंग भी कम्प्लीटली आ चुका है। तो ये वाला दोस्तों प्रॉब्लम जो है IGBT का प्रॉब्लम था जो कि हमने दोस्तों सोल्व कर दिया है। आपको जब भी दोस्तों यहाँ पर एरर जीरो का प्रॉब्लम आए तो यहाँ पर रजिस्टर IGBT ये वाला PF भी आप चेक कर लेना। ये तो नया इंडक्शन है इसलिए ये वाला PF चेक नहीं किया है। यहाँ पर जो है हमारा बूस्ट तो कम्प्लीटली 100 वोल्ट बूस्ट हो रहा था, 350 वोल्ट सप्लाई आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों ट्रांजिस्टर भी आप चेक कर लेना, इसका रजिस्टर और 18 वोल्ट का सप्लाई भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये वाला दोस्तों प्रॉब्लम जो था हमने कम्प्लीटली सोल्व कर लिया है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि जो है मेरे नए वीडियो आपको देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पे।